नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, बाढ़ में लोगों की भीड़ उमड़ी है, जो देखो आज एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, शास्त्री नगर बाड़मेर शहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास एक कॉल आया, एक नाले के अंदर भूण मिला है। बता देता हूँ साथियों, आज 7 दिन पहले एक जाल का पेड़ था, जाल के पेड़ के ऊपर एक कंबल में लटका हुआ भूण मिला था। 7 दिन बीतने के बाद आज शास्त्री नगर में एक और भूण मिला है। साथियों, हर 7 दिन 8 दिन के अंदर ऐसी घटना बाड़मेर शहर में होती रहती है, मगर पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए साथियों, हर 7-8 दिन बाद ऐसी घटना शहर में होती रहती है। तो साथियों, ये तस्वीरें शहर के शास्त्री नगर की है, जो नाले के अंदर एक भूण मिला है, जो पुलिस भी मौके पर पहुंची है, भूण को अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर गए हैं। तो साथियों, ये शास्त्री नगर की तस्वीरें एक बार शेयर कर दो आप इस पोस्ट को, ताकि ये पोस्ट सभी अधिकारियों तक और पुलिस तक पहुंचे, तो जो भूण जो फेंकने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिखा सकता हूँ, बाकी यहाँ भूण मिला है, लोगों की भीड़ उमड़ी है। शर्मसार करने वाली घटना एक और हुई है बाड़मेर में। 5-7 दिन पहले एक और मिला था, जाल पर, जाल के पेड़ पर कोई रख के चला गया था। उसके बाद एक और शास्त्री नगर के नाले में मिला है। साथियों, भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। यहाँ जो ये नाला है खुला है, खुले नाले के अंदर किसी ने भ्रूण डाल दिया है। किसका है, कितना डाला है, इसका कोई पता नहीं है। यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस को भी इतला दी है, पुलिस भी आ रही है, पता करेंगे इसका क्या है। मतलब बताया जा रहा है, यहाँ कोई हॉस्पिटल भी है क्या नज़दीक से कोई? हाँ, नज़दीक हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक है। हाँ, वो पार्क में है, गली के अंदर भी है। उसका कोई आइडिया थोड़ी कि उसमें कैसे आया है या और कैसे भाया, हो सकता है किसी हॉस्पिटल से किसने डिलीवरी करवाई हो, यहाँ ला के डाल दिया। लड़का है या लड़की है वो, कहीं डाल ये देखने भी पता चलेगा, कुछ पता नहीं चला लड़का है लड़की, ये जांच करने के बाद पता चलेगा। कितने बजे का है? मुझे तो अभी आधा घंटा पहले इतला मिली कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, और ये सुबह से लोगों को भी इतला मिली है, लगभग 2-3 घंटे हो गए, लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने देखा है, और मीडिया को भी इतला दी है, पुलिस को भी इतला दी है, पुलिस आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। ये साथियों वो भी पहुंचे हैं, पुलिस भी आ रही है मौके पर, पुलिस को इतला दे दी है अड़ोसी पड़ोसियों ने। अगर जे नालो बंद रखियो हो तो कई पहले नाम ले जा नौकर बस जा दी पालिका को, पुलिस दिल्ली है, एक घंटा वो फोन की एनर्जी तक नहीं आई है। ये थोड़ी नौकर लारो के नौकर ना, ये नौकर नहीं है, मतलब बड़ी बावी को रखी जो नाले में लारे से बड़ी बावी को रखी के दो वाला क्यों, और 3 कैमरा लागो बड़ी बावी को रखी दो वाला क्यों। अभी हम लोग ये कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे हम। लोगों की ऐसी भीड़ लगी है जैसे कोई मेला लगा है। शर्मसार करने वाली साथियों, बाड़मेर के लिए ये घटना है, 7 दिन के अंदर दूसरी घटना हुई है। 7 दिन पहले एक जाल के पेड़ के ऊपर एक नवजात का शव मिला था, एक कंबल में लपटा हुआ, और आज ये नाले के अंदर मिला है। हटो 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 हटो, पुलिस पहुंच गई है मौके पे, तुरंत और तत्काल पुलिस पहुंची है मौके पे, पुलिस जांच कर रही है। अब मोबाइल के जरिए पुलिस Thank you.